कोई फरियाद नहीं, रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं, कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय, काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले, हर सुबह पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले, अब तो लेके स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा, युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही, नारी जीवन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात, गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे, पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत छोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। ये राह भले हो लंबी, ये राह भले तू भर हो, इस राह पे चलते चलते हमको गाते जाना है, जो भारत को मां माने वो साथ हमारे आए, आके चेहरे पे मुस्कान जगाने आए, सब अंधेरे भूल जाएंगे, सब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, सब पाएंगे न्याय, सब अंधेरे भूल जाएंगे, सब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, सब पाएंगे न्याय, न्याय जो मजदूर किसानों की मेहनत में रंग लाए, हर औरत के साथ चले, हर एक युवा के संग आए, न्याय जो भागीदारी का हर एक को अपनाए, पांच न्याय का परचम अपना गली गली लहराए, हम जुड़े और जुड़ जाएंगे, जब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय, हम जुड़े और जुड़ जाएंगे, जब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय, जन जन की बातें एक मन की बात के नीचे दबे नहीं, भारत माँ के बच्चे दानव दल के आगे झुके नहीं, संघर्षों की परिभाषाएं भविष्य को बदलाए, न्याय के पथ पर चलने वाले न्याय से पहले रुके नहीं, सब एक साथ मुस्काएंगे, जब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय, सब एक साथ मुस्काएंगे, जब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय, I'm
महाजन, उल्का महाजन जी कृपया मंच पर आ जाए। योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव बैठ जाए। उल्का महाजन, संभाजी भगत जो महाराष्ट्र में ही नहीं सिर्फ पूरे देश में जाने माने शाहिर, लोकशाहिर संभाजी भगत आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करेंगे। संभाजी, संभाजी के साथीदार मिल नहीं रहे हैं, लेकिन संभाजी को साथीदार लगते नहीं है, वो अपने आप में गाना गाएंगे तो सब डोलने लगेंगे। संभाजी, अरे हमारे वो साथ में गाने वाले, साथ में गाने वाले है। सर 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 वो रिदमिस्ट को छोड़ो, उसको भी छोड़ो, ये बहुत डिफिकल्ट है। आ जाओ आ जाओ, और कोरस कोरस, ये संदेश को छोड़ो, संदेश को। ए बेटा आ जा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो गीत है ये हमारे ये हिटलर के साथी जनाजो के बराती, ये हिटलर के साथी जनाजो के बराती, पूछते नहीं इंसा को कौन है तू, पूछते है धर्म और जाति। अरे इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, ए गलती करोगे आहे भरोगे, जालिम का जमाना जहरीला भाई। हाँ चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, यहां नहीं, यहां अच्छे लोग बैठे हैं, कहीं और। चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, अरे बड़े सेटर बैठे हैं भाई, चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई, चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर आर। कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कहां बैठे हैं, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, और नाना जी कुछ बंबई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बंबई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बंबई में बैठे हैं। बातें राम की चली है भाई, बातें रहीम की चली है भाई, बातें वेद की चली है भाई, बातें भेद की चली है भाई, बातें कुरान की चली है भाई, बातें पुराण की चली है भाई, राम कथा में डूबे हम भाई, राम लीला में डूबे हम भाई, राम कथा में डूबे हम भाई, राम लीला में डूबे हम भाई, राम कथा में डूबे हम भाई, राम लीला में डूबे हम भाई। राम कथा तो बहुत अच्छी कथा है, जहां राम सब कुछ छोड़ के वनवास में जाते हैं, सत्ता छोड़ के वनवास जाते हैं, यहां राम का नाम लेने वाले सारा छोड़कर सत्ता पे बैठे हैं, तो ये राम के कोई नहीं लगते, ये राम वाले नहीं है, ये नथुराम वाले हैं। वे नेट पे बैठे हैं भाई, वे जेट पे बैठे हैं भाई, इंटरनेट पे बैठे हैं भाई, जंबो जेट पे बैठे हैं भाई, खाली पेट हम बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, जली जिंदगी बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, जली जिंदगी बैठे हैं भाई, सेठ पे बैठे हैं भाई, चली जिंदगी बैठे हैं भाई, वे साइबर के सेठ है भाई, हम सत्संग में बैठे हैं भाई, साधु संतों के संग में है भाई, आसाराम के रंग में है भाई। सुबह सुबह टीवी खोलते हैं तो एक बाबा आता है, वो कहता है हवा ले लो, हवा छोड़ो,
हवा ले लो, हवा छोड़ो। मैंने बाबा को पूछा, बाबा पूरा देश पंक्चर है, क्या हवा लेंगे और क्या छोड़ेंगे? साधु संतों के संग में है भाई, आसाराम के रंग में है भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सतयुग की आशा में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सतयुग की आशा में भाई, साई की भाषा में भाई, सतयुग की आशा में भाई, सिलिकॉन के वैली में भाई, सियाराम का मार्केट है भाई, सिलिकॉन के वैली में भाई, सियाराम का मार्केट है भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई। ए अमेरिका से देते हैं झटका, अयोध्या में हमने खाया ये फटका। वे एक्टिंग करते हैं भाई, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं। मित्रों, दोस्तों, मित्रों, बंधु भगिना कुछ भी, लेकिन इतने बड़े एक्टर है, अमिताभ भी उनके सामने कुछ लगता नहीं मुझे, इतने बड़े एक्टर है। अभी कल वो बैंक का कुछ लोचा हो गया, लेकिन उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे, काइकू नहीं मालूम नहीं भाई। और वे नेट पे बैठे हैं भाई, वे जेट पे बैठे हैं भाई, इंटरनेट पे बैठे हैं भाई, जंबो जेट पे बैठे हैं भाई, खाली पेट हम बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, जली जिंदगी बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, जली जिंदगी बैठे हैं भाई। वे साइबर के सेठ है भाई, हम सत्संग में बैठे हैं भाई, साधु संतों के संग में है भाई, आसाराम के रंग में है भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सतयुग की आशा में भाई, सिलिकॉन के वैली में भाई, सियाराम का मार्केट है भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई। अरे अमेरिका से देते हैं झटका, अयोध्या में हमने खाया ये फटका। वे एक्टिंग करते हैं भाई, क्या करते हैं? वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई। वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई। वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं। आर 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 आर। वे सेटिंग करते हैं भाई, सेटिंग आपको सब मालूम है, ज्यादा नहीं बताता। वे सेटिंग करते हैं भाई, और हम वोटिंग करते हैं भाई। वे सेटिंग करते हैं भाई, हम वोटिंग करते हैं भाई। वे सेटिंग करते हैं भाई, हम वोटिंग करते हैं भाई। भजन भारत माता का भाई, पूजन भारत माता का भाई, बड़े जोर से चला है भाई, बड़े शोर से चला है भाई, नारा देशी का चला है भाई, धंधा विदेशी चला है भाई, नारा देशी का चला है भाई, धंधा विदेशी चला है भाई, नारा देशी का चला है भाई। खोल खोल के बैठे है भाई, मोल माता का लगा के भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई, खुले भाव से बेचा है भारत माता को बेचा है भाई। ए माता खड़ी है ओपन मार्केट में, दिल्ली से दलाली चली है भाई। हाँ, अरे धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, कल्चरल नेशनलिज्म, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा डॉलर में लेते है भाई, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा डॉलर में लेते हैं भाई, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा डॉलर में लेते। आर 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 आर। कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, सेवा स्वयं की चली है भाई, कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, सेवा स्वयं की चली है भाई, कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, सेवा स्वयं की चली। रथ राम का सजाया भाई, रथ राम का सजाया भाई, और गेम देश का बजाया भाई, रथ राम का सजाया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शिवाजी संभाजी भगत और उनकी टीम। और जय हमारे एक बुजुर्ग साथी रियर एडमिरल रामदास, जो भारत जोड़ो अभियान के पैटर्न रहे हैं, इंडिया जब बना अलायंस तो उसका समर्थक रहे हैं, और हमारे सभी जन आंदोलनों को हर बार सक्रिय समर्थन देने वाले रियर एडमिरल रामदास जी का निधन हुआ है।
हम आधा मिनट खड़े रह के उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। शांति। ओम शांति शांति। अभी बहुत सारे लोग सिक्योरिटी की वजह से अंदर आने में देर हो सकती है, लेकिन हमें समय को देखना पड़ेगा। सभी मंचासीन नेताओं को आप जानते हैं, हम तहे दिल से भारत जोड़ो अभियान और उनसे जुड़े सभी जन आंदोलनकारी समूहों की ओर से उनका स्वागत करते हैं। सामने भी बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव को विनंती करूंगा कि वो इस सभा का प्रास्ताविक करें। योगेंद्र जी। मंच पर बैठे हुए और महाराष्ट्र के कोने कोने से आए जन आंदोलन के सभी साथियों, आज 10,000 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा का समापन है। 4,000 किलोमीटर पिछले साल किए थे भारत जोड़ो यात्रा, और अब 6,000 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा ने देश को एक शब्द दिया था, मोहब्बत, और एक शोले फिल्म के डायलॉग जैसा डायलॉग दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का डायलॉग दिया था। इस न्याय यात्रा ने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने उस मोहब्बत की कहानी को आगे बढ़ा दिया है। मोहब्बत तब होती है जब दर्द से दर्द का रिश्ता बनता है, और इस न्याय यात्रा ने इस देश के तमाम किस्म के जो दर्द हैं, दुख हैं, अन्याय है, उस सब को जोड़कर इस देश में सच्ची मोहब्बत की नींव डाली है। ये लंबी यात्रा के समापन का समय कोई जश्न मनाने का समय नहीं है। हम यहां सेलिब्रेट करने नहीं आए हैं, हम यहां संकल्प लेने आए हैं। इस देश को बचाने का ठेका इस सफेद टी शर्ट वाले आदमी ने नहीं लिया है, यह हम सब का ठेका है। हम सब के बच्चे इस मुल्क में रहते हैं, इसलिए आज हम संकल्प लेने आए हैं कि ये जो 10,000 किलोमीटर आपने किए, इसको हम 10,000 गुना बनाएंगे। इस देश के कोने कोने में जाएंगे, संदेश लेके जाएंगे। ये चुनाव का मौका है, और ये साधारण चुनाव नहीं है। भूल कर भी मत सोचिएगा कि ये संसद का चुनाव है। नहीं, ये संसद का चुनाव नहीं है, ये संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये चुनाव गया, बाबा साहब का संविधान हमारे हाथ से छीन लिया जाएगा किसी ना किसी तरीके से। इसलिए आज मौका नहीं है किंतु परंतु का। सब दोस्तों को मैं कहता हूं, जिंदगी भर हम किंतु परंतु लेके जिए हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें ये कमी है। कैंडिडेट तो अच्छा है, लेकिन पार्टी ने 25 साल पहले ये काम किया था। दोस्तों, आज हम अपने सारे किंतु परंतु अपनी जेब में रखने के लिए आए हैं, संघर्ष के मैदान में उतरने के लिए आए हैं, और इस मैदान में हमारा साधारण सा नारा रहेगा। वो कहेंगे मोदी, हम कहेंगे मुद्दा। मोदी के मुकाबले में मुद्दा खड़ा करना है। वो कहेंगे चंदा, हम दिखाएंगे उसके पीछे वसूली का धंधा।
वो कहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे जवान और किसान। इससे लड़ी जाएगी ये लड़ाई। लंबी प्रस्तावना मैं नहीं दूंगा। जंग के मैदान में उतरने से पहले भाषण नहीं सुने जाते, बस आस्तीन ऊपर की जाती है। तो दोस्तों, हम सब उस जंग के मैदान में उतरने के लिए आ जाए हैं, और ये कहने के लिए कि ये देश बचाने के लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ये डायलॉग नहीं है। मेरे जैसे लोग जिनके सफेद बाल होने शुरू हो गए हैं और जिंदगी का अंत थोड़ा सा दूर दिखाई देने लग गया है, अब एक चीज है दोस्तों, बाकी कैलकुलेशन सब लोग करेंगे, चुनावी भविष्यवाणी रोज होंगी, साइकोलॉजिकल गेम्स खेले जाएंगे, रोज आपको बताया जाएगा 400 400। ये 400 नहीं है, 400 बीसी है। ये 420 का खेल है, इसमें नहीं आना है। रोज ये बातें होंगी। लोग मेरे से पूछते हैं जी कितनी सीटें आएंगी, क्या होगा? मैं कहता हूं दोस्त, आज ये पूछने का वक्त नहीं है। आज सिर्फ ये पूछना है, जब अंत समय आएगा उस वक्त हम सर उठा के कह सकेंगे, मैं नहीं, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी धोती, मेरी आने वाली पीढ़ी क्या सर उठा के कह सकेगी, जब इस देश को खतरा था तो मेरे दादा ने, मेरे नाना ने, मेरे दोस्त ने, मेरे गुरु ने, मेरे साथी ने वो किया जो करने की जरूरत थी। बस आज सिर्फ उसी संकल्प का समय है, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस सभा में हम मुद्दे नहीं रखेंगे। इस यात्रा ने, न्याय यात्रा ने इस देश के सामने 5 बड़े संकल्प रखे हैं। बस हम वो संकल्प रखेंगे, उस संकल्प पे 2-2 मिनट की बात होगी, और हम सब एक ओथ लेकर, एक संकल्प लेके हम सब इस हॉल से बाहर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया योगेंद्र भाई। इस सभा की अध्यक्षता जो तुषार गांधी जी कर रहे हैं, वो अंत में हमको ये संकल्प सबको दिलाएंगे। अभी फ्लोर से 5 साथी एक इंटरेक्शन करेंगे। जो विविध न्याय गारंटी दी गई है, उनके मुद्दों के ऊपर लोग क्या सोच रहे हैं वो बताया जाएगा। युवा न्याय गारंटी, जिसमें भर्ती का भरोसा, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा तथा युवा रोशनी, ऐसे 5 संकल्प दिए गए हैं न्याय के। हमारे यहां हमारे युवा साथी पश्चिम महाराष्ट्र के राजवैभव जी है। राजवैभव वो युवा है जिन्होंने मोदी के नाम को लेकर जो रथ गांव गांव में घूम रहा था, उस रथ के सामने खड़े रहकर उस रथ को पीछे भेज दिया था। तो राजवैभव जी बताइए। हेलो, जिंदाबाद राहुल जी, जय भीम। मैं राजवैभव शोभा रामचंद्र, संविधान संवाद समिति महाराष्ट्र नाम का संगठन हम चलाते हैं। संविधान के बारे में आसान भाषा में लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उसके साथ साथ लोगों को तैयार करते हैं कि अपने हकों और अधिकारों के लिए बोलने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि इस देश का लोकतंत्र बचाना होगा। तो सवाल, और आपकी जो पिछली जो यात्रा निकाली, आपने वहां ये नारा, हमने उससे इंस्पायर होकर ये भारत सरकार का एक रथ आया था और मोदी सरकार का प्रचार कर रहा था मोदी सरकार नाम से, तो हमने उसी रोका और पूछा कि इस देश का नाम क्या है, तो बोले भारत सर, भारत है, तो देश का नाम भारत होता है, तो सरकार का नाम भी भारत सरकार होना चाहिए, मोदी सरकार नहीं होना चाहिए। और ये करने के बाद, हमने ये रोकने के बाद महाराष्ट्र से कुल मिलाकर 70-75 जगह से वो यात्रा को रोक दिया गया और पीछे भगा दिया गया। आपने अभी जो नारा दिया है, जो न्याय का है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है, उस नारे में आपने जो युवा के लिए जो गारंटी दी है, वो गारंटी
नौकरी को लेकर है, युवा रोशनी को पेपर का लीक होता है उसके उसको लेकर है, और उसके साथ साथ सुरक्षा को लेकर ये पूरी गारंटी भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 की गारंटी है। हमें हमारे आज जो युवा है, हमारे जो लोग हैं, किसान है, इनको अभी किसी व्यक्ति की गारंटी नहीं चाहिए, हमें भारतीय संविधान की गारंटी चाहिए। ये इसके बाद महिला गारंटी की बात हुई है। अच्छा बोले आप। महालक्ष्मी योजना, अच्छा बोले, महालक्ष्मी योजना, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, आशा और आंगनवाड़ी और सभी कर्मचारियों को अधिकार, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले हॉस्टल केंद्र, नारी सम्मान, अल्पसंख्यक सम्मान, हमारी भारत जोड़ो अभियान की कार्यकर्ता हसीना 2 मिनट में अपनी बात कहेगी। हसीना खान, जिंदाबाद। आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, प्रियंका जी, आप यहाँ बॉम्बे पहुंचे, आपका वेलकम करते हैं, और खास करके इस देश में जो अन्याय का जो एक माहौल बना हुआ है, और खास तौर पर मुसलमान समुदाय के साथ में, खास तौर पर महिलाओं के साथ में, खास करके वो गरीब और मजदूर के साथ में, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि जो लगातार मुसलमानों पर जो हिंसा हो रही है, हर तरीके की हिंसा हो रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो किसी वर्क प्लेस में हो, चाहे वो छोटा सा धंधा करता हो, नौकरी करता हो, चाहे वो किसी भी जगह पे काम करता हो, उसको हर तरीके से उसके नाम पर, उसको हर तरीके से उसके नाम पर, उसकी पहचान पर, उसके ड्रेस पर, उसकी आइडेंटिटी पर उसका हिंसा होता जा रहा है, और वो हिंसा बढ़ती जा रही है, और हमारे नाम पर इस देश में राजकरण हो रहा है, हमारे नाम पर इस देश में एक राष्ट्रवाद को हिंदुत्ववाद में बदलता जा रहा है, और इस हिंदुत्ववाद में मुसलमान अपने आप को नहीं देखता। इसलिए हमारी ये कोशिश है, उम्मीद है आप सबसे कि कांग्रेस के जो सभी साथी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, आपको बुरा ना मानिएगा, हमारे बहुत सारे कांग्रेस के साथी कहीं एक तरीके से मुसलमानों के बारे में कुछ हद तक कि उन्हें वो मुद्दा समझ में नहीं आता, कुछ हद तक कि वो कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्टनेस है हिंदुत्ववादी का, उसे आपको हटाना पड़ेगा, उन्हें मुसलमान औरतों के मुद्दे समझ में नहीं आते, उन्हें उनको समझाना पड़ेगा, उनका कंजर्वेटिविज्म जो है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश का जो पितृसत्ता है, ये देश का जो हिटलरशाही है, ये देश जो है वो मुसलमान विरोधी है। इस न्याय यात्रा के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ये मुद्दा उठाएंगे, आपकी पार्टी मुद्दा उठाएंगे, आपके वर्कर्स मुद्दा उठाएंगे, महिलाओं के मुद्दे उठाएंगे, जिस किस्म से बिल्किसान, जिस किस्म से हाथरस की महिलाएं, जिस किस्म से जो अलग अलग तरीके की कुश्ती महिला, मणिपुर की महिला, जो हम हिंसा देख रहे हैं, महिलाओं के मुद्दों पर एक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, और आपकी पार्टी ने भी कोर्ट में जाना चाहिए, आपकी पार्टी ने भी बिल्किस बानो के बारे में अभी तक इंटरव्यू क्यों नहीं किया, हम क्यों सिविल राइट्स ग्रुप लोग हैं, तो ये पार्टी का भी बहुत बड़ा काम है इंटरव्यू करने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, और हम इस न्याय यात्रा से उम्मीद करते हैं। हम न्याय यात्रा से ये उम्मीद करते हैं कि इस देश के मुसलमानों का जो स्कॉलरशिप पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, उनका सोशल बायकॉट हर तरीके से हो रहा है, हर तरीके से युवा के साथ में, हर तरीके की हर वर्ग के साथ में जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा को आपको रोकना होगा, और आपके कार्यकर्ता उस हिंसा को रोकने के लिए सड़कों पर आने के लिए आना होगा, ये आपसे हम उम्मीद रखते हैं।
धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब बहन भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब बहन भाई। ये जो आपने सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की, आपने कहा कि बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं अलग अलग पार्टीज में जिनके अंदर ये सॉफ्ट हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है। ये एक्चुअली सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, ये एक्चुअली डर है, ये फियर है। वो बिलीव कुछ और करते हैं, कहते कुछ और है। तो इनके दिल से सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं निकालना है, इनके दिल से डर निकालना है। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे देश के अन्नदाता किसान जो सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी हक के लिए सरकार को भी झुका चुके हैं। हमारे भारत जोड़ो अभियान के खास पूना से आए हुए मारुति भापकर इस पर बोलेंगे। किसान न्याय गारंटी में बात हो चुकी है, एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले से तहत कानूनी दर्जा दिया जाएगा, ऋण माफ करने की बात हुई है, बीमा योजना में परिवर्तन की बात हुई है, किसानों के हित को आगे रखते हुए एक नई आयात निर्यात नीति की घोषणा है, संकल्प है, और कृषि सामग्रियों से जीएसटी को हटाकर किसानों को जीएसटी से मुक्ति दिलाने की बात है। मारुति भापकर, 2 मिनट। नमस्ते राहुल जी, मैं किसान हूँ, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद किसानी करता हूँ और पुणे सिटी में भी रहता हूँ। 2014 के चुनाव के वक्त मोदी जी ने कहा था कि एमएसपी लीगल गारंटी दी जाएंगी किसानों को और किसानों का जो उपज है वो दुगुना किया जाएगा, ऐसा आश्वासन हमको 2014 में मिला। पहले 5 साल तो हमको कुछ लगा नहीं कि ये चलता है, 5 साल ऐसा लगा, लेकिन 10 साल में किसान के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। किसान के कपास हो, सोयाबीन हो या प्याज हो, उसको कोई भाव नहीं मिलता है, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और इसके बारे में जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये मिलता है, उसके बारे में जो खत है उसमें यूरिया आता है, डीएपी आता है, उसके भाव प्रचंड बढ़े हैं, उसमें जो तननाशक बोल के जो खत उसके ऊपर मारा जाता है उसके भी प्रचंड भाव बढ़े, 6,000 रुपये दिए जाते हैं और 50,000 रुपये किसानों को निकाले जाते हैं। ऐसी मोदी गवर्नमेंट की नीतियां है, बहुत अपेक्षा थी मोदी गवर्नमेंट के पास से, लेकिन ये अपेक्षा पूरी टूट चुकी है। जो पंजाब के शेर किसान पिछले आंदोलन कानून के बारे में किया, अभी आंदोलन जो कर रहे हैं, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन जो पंजाब और हरियाणा के किसानों का है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर के महाराष्ट्र के किसानों का भी आंदोलन है, वही मांगे किसानों की है। अपेक्षा यही है कि आपने जो भी आज अपने भाषण में यात्रा में जो बात कही है, एमएसपी की बात कही है, तो उससे बहुत हमको अच्छा लगा। हमारे देश में राज किया, लेकिन किसानों ने सुसाइड पिछले 75 साल में लगभग 6,00,000 से ज्यादा किसानों ने, पूरे देश का किसान या ईश्वर का किसान जब तक सरकार को सपोर्ट नहीं करती है, आर्थिक बल उसको नहीं पीछे देती, तब तक किसान ये इसमें बच जाएगा। मुझे आपके साथ विनती है, आपको कि इसके बारे में सोचिए। जो अंदाज पत्रक प्रस्तुत होती है, 6ठा 7वां वेतन आयोग वर्कर लोगों को दिया जाता है, उसको आक्षेप नहीं है, लेकिन किसानों के बारे में ऐसी कोई सोच नई सोच की है, नई सोच की बात रखी है गारंटी और अंदाज जो बजट है उसमें तरतूद और सरकार की पूरे महाराष्ट्र के किसान अर्बन इलाके की बात, लेकिन रूरल इलाके में पूरे किसान मोदी गवर्नमेंट को बहुत इस टाइम उनको पूरा उखाड़ना चाहते हैं। आपने जो वादा किया है वो अगर आप निभाते हैं तो पूरी किसान जमात आपके पीछे रहेंगी, इतना वादा करता हूं, रुकता हूं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय जवान।
बहुत बहुत शुक्रिया मारुति भपकर जी। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण गारंटी जो जाहिर हुई है वो हिस्सेदारी न्याय गारंटी, जिसमें जाति गणना की बात है, आरक्षण का हक है, एससी एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी है, जल जंगल जमीन पर का कानूनी हक है और अपनी धरती अपनी राज ये संकल्प है। मैं हमारे अंबेडकरी मूवमेंट के जुझारू युवा साथी विशाल हिवाड़े को कहूंगा दो मिनट में अपनी बात कहें। साथियों जिंदाबाद। यहां पर राहुल जी गांधी जो आए हैं वो कांटों पर नहीं बल्कि किलो पर चलकर यानी जो खिड़े होते हैं खिड़े मराठी मध्ये त्या खिड़ावर चालून 10,000 किलोमीटर ची यात्रा राहुल जी ने पूर्ण केलेली आहे। आणि ती यात्रा पूर्ण करताना या देशातल्या सामाजिक प्रश्नांना, आर्थिक प्रश्नांना, कॉर्पोरेट प्रश्नांना, ज्युडिशियरी प्रश्नांना हात घातलेला आहे। मित्रांनो राहुल जी आपने केवल गॅरंटी नहीं दी है, ये सबसे बड़ी बात है। दलित का सवाल हो, आदिवासी का सवाल हो, ओबीसी के जाति गणना का सवाल हो, राहुल जी ने यहां पर युवाओं के साथ साथ वारंटी भी दी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दलित की बात मैं करूं तो कल ही राहुल जी बाबा साहब जी को विनम्र अभिवादन करने के लिए गए थे। राहुल जी बड़ी ट्रेजेडी है, इस बंबई शहर के 8 स्टेशनों का नाम बनता है, लेकिन जिस संविधान को लेकर आप चल रहे हो, संविधान को बचाने के लिए लेकर आप चल रहे हो, उस संविधानकर्ता के नाम को यहां नाम नहीं दिया जाता। दादर को चैत्य भूमि नाम नहीं दिया जाता। मोदी जी ने संसद में एट्रोसिटी के कायदे पास करवाए हैं बट उसका कोई फायदा नहीं है। अभी अभी हमारा संकेत भोसले को गांव खेत में मार दिया गया। बच्चे होते हैं, क्या गलती होती है उनकी भाई, गाना सुनना, रिंगटोन लगाना, मंदिर के पास जाकर खड़ा रहना, ये गलती के बाद हमारे बच्चों को कुचला जाता है, मारा जाता है, मर्डर की जाती है। आप तो दलितों को साथ देने के लिए आगे बढ़े हो। दूसरी बात मैं करूं साथियों, शिक्षा का मुद्दा अहम बन गया है। अभी अभी हमारे साथी आजाद मैदान में कई दिन से बैठे हुए पार्टी को लेकर, पार्टी ने पूरा पैसा निकाल दिया है। छात्रों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं, छात्रों के लिए कोई पैसा नहीं है। और जाति गणना के बात करने के बाद आप कहते हो राहुल जी, ये सबसे पहली घोषणा आई है मेरे साथियों, 88%, बहुत बड़ी बात है। 88% लोग इस देश के हैं जिनके पास कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, उसके अंदर हमारे आदिवासी भाई है, हमारे दलित साथी है, सभी साथी है। मुझे वहां से आदेश आया है, मैं रुकूंगा, केवल एक ही बात मैं करना चाहूंगा। योगेंद्र जी आपको रिक्वेस्ट है कि हमने जो साने गुरु जी की प्रतिमा लाई है जो 125 भी है वो हम आपको देना चाहेंगे। बाबा साहब जी का संविधान का प्रेम हमने लाए हैं वो आपको देना चाहेंगे राहुल जी को, और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं एक नारा जरूर दूंगा, आप सब लोग केवल कहेंगे राहुल गांधी राहुल गांधी, इतना ही कहना आपको बस, संविधान को बचाने निकले हैं, संविधान को बचाने निकले हैं, भाईचारा बचाने निकले हैं, भाईचारा बचाने निकले हैं। विशाल भाई, विशाल भाई शुक्रिया, विशाल भाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी महाराष्ट्र के ज्येष्ठ समाजवादी और आजादी आंदोलन के जुझारू नेता साने गुरुजी, इनकी 125वीं जन्मशती हम इस साल मना रहे हैं। साने गुरुजी ने किसान मजदूर आदिवासी दलित सभी के लिए आजादी की जंग में महात्मा गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर के साथ लड़ाई लड़ी है, उनके दो फ्रेम यहां आपको दे रहे हैं। शरद कदम जल्दी
किसको आने देना है सर? सर आप मुझे बता दीजिए और किसको आने देना है? अरे नहीं किसी को, प्लीज प्लीज हम सब एक है नारा दे रहे ना हम, तो हमारे एक प्रतिनिधि जाएंगे उतना काफी होना चाहिए। प्लीज समय को देखिए, प्लीज प्लीज चलिए जिंदाबाद शरद भाई। अखिल भारतीय आदिवासी परिषद के मालू निर्गुड़े यहां पर आए हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो दो मिनट अपनी बात रखे। मालू निर्गुड़े आदिवासी हक, मालू निर्गुड़े जी को माइक दीजिए प्लीज। ये है यहां पर माइक, ये देखो यहां खड़े हैं, आगे आइए मालू भैया, मालू जी आगे आइए प्लीज दो मिनट में। धन्यवाद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप सबका स्वागत है। जय हिंद। आज इधर ये महाराष्ट्र में ये आदिवासी लोग का हालत बहुत खतरे में है। आदिवासी लोगों के जीना ये शासन ने मुश्किल किया है। जिस जगह पे आदिवासी लोग अपने मकान झोपड़े खड़ा करके अपने जीना जीते है, लेकिन ये फॉरेस्ट और ये शासन ये आदिवासी लोगों को जबरदस्ती से वो हटा देती है, उसको घर पे मकान पे बुलडोजर चला देती है। ये बहुत सारा ये जगह में आदिवासी लोग जीना बहुत हराम किया है। इसलिए मैं आज ये यात्री से मैं वादा कर देता हूँ राहुल जी साहब को, ये महाराष्ट्र में ये रायगढ़ जिले में जितना भी आदिवासी लोग है उसको जीना चाहते है, वो सब लोग आपके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और हमारे रायगढ़ जिले में जो कुछ समस्या है वो समस्या का निवेदन मैं आपको देना चाहता हूँ। और उससे पहला रायगढ़ जिले में करजत तालुका है, वो करजत खालापुर तालुके में तांबटी गांव करके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो जगह शासन का जगह है। वो जगह पे भारत देश स्वतंत्र होने से ही पहले वो हमारे आदिवासी लोग उधर गुजरते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट से हमारे आदिवासी लोग को मकान तोड़ के उधर से जबरदस्ती पुलिस बल का यूज करके उसके हकल दे जा रहा है। मैं आपको विनंती कर रहा हूँ कि वो अपना टामाटी गाँव करके हमारा जो आदिवासी है वो आदिवासी को बचाना हमारा जरूर है। और रायगढ़ जिले में जो कुछ समस्या है मैं आपका उसका निवेदन आपको देना चाहते हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आदिवासी। बहुत बहुत शुक्रिया मालू जी। मैं इसके बाद सुनील मालवाकर आदिवासी मुद्दों पर बात करने के लिए, सुनील मालवाकर, सुनील मालवाकर मैं सुनील मालवाकर यहां खड़े रहिए, इनको माइक दीजिए। मी आज आदिवासी खरोखर आज महाराष्ट्र मध्ये जे 48 खासदारांच्या जागा आहेत त्याच्यामध्ये चार महत्त्वाच्या आदिवासींना आरक्षित सीट आहेत, तर त्या चारही सीटा कसा आदिवासी जिंकतील याच्यावर खरोखर महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडीला त्या चारही सीटी महाराष्ट्रातून भेटतील ही आश्वासन आज इथं आम्ही सर्व आदिवासी नेते आणि कार्यकर्ते म्हणून देतो। खरोखर आम्ही ह्याच्यावर भारत जोडो यात्रा म्हणून एक पूर्व तयारी म्हणून निवडणुकीची पूर्व तयारी म्हणून आम्ही चालू केलेली आहे। खरोखर मतदारापर्यंत जाऊन कशा आपल्या समस्या मोदी सरकारच्या कशा फसव्या गॅरंट्या आणि कशा त्यांच्या फसवे कायदे हे स्पष्टपणे आम्ही गावागावात जाऊन मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तरी राहुल जी आमच्या आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत, जिंदाबाद। भारत जोड़ो अभियान के ये महाराष्ट्र के अलग अलग साथियों ने जो बातें रखी उसका निचोड़ समापन मैं भारत जोड़ो अभियान की महाराष्ट्र की संयोजक उल्का ताई को विनती करता हूं। पहले राहुल जी आपका अभिनंदन। कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट की जो दो मुख्य मुद्दे हैं भारत जोड़ो और न्याय, इन दोनों को फिर से स्थापित करने के लिए आपने जो यात्रा की इसलिए सबकी ओर से मनपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन आपका।
संविधान में जो समता और न्याय का आश्वासन है, कमिटमेंट है, हम सब जानते हैं कि समता न्याय के बिना संभव नहीं है, और इसीलिए न्याय को आपने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो एक बड़े एजेंडे पर लाने की कोशिश की वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और सदियों से जिनको न्याय नाकारा गया और विषमता उनके लिए हमेशा के लिए एक वास्तव बन के रही, उस विषमता को अगर दूर करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट के कई पहलू है जिसको फिर से उजागर करने की जरूरत है। उसमें है सबसे पहले संसाधनों का बंटवारा, जो जमीन जंगल पानी और जीने के साधन है उस सब का बंटवारा, ये काम अधूरा है आज तक। अलग अलग अवसर मिलना, समान अवसर और समान मौके की कमिटमेंट, ये भी न्याय के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हर तरह के निर्णय में सहभाग, अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल हो, अपना नियंत्रण हो, और सम्मानजनक रोजगार हो और सम्मानजनक वेतन हो, ये सारी समता और न्याय से जुड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स है जो आज गायब की गई है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये फिर से यहाँ पे स्थापित होगी और ये सारी प्रक्रियाएं जो है उनको मजबूत करना, बंटवारे की, सम्मान की और जिंदगी पर अपना कंट्रोल लाने की, इसकी आशा हम न्याय इस संकल्पना में जरूर रखते हैं। आज जो फांसीवाद देश पर सवार है, उस फांसीवाद से जब हम लड़ते हैं, हम सबको मालूम है कि फांसीवाद समाज में पहले से स्थित जो सत्ता संबंध है उसी पर सवार होकर आता है, और वो सत्ता संबंध है पितृसत्ता से बने हुए, वो सत्ता संबंध है जातीय विषमता से जुड़े हुए, वो है आर्थिक विषमता से जुड़े हुए, पर्यावरणीय विनाश से जुड़े हुए और सांस्कृतिक भेदभाव और नफरत से भी जुड़े हुए। इन सबके खिलाफ लड़ाई ये फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई है। आप हमें कमिटमेंट दीजिए, हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और संविधान में दिया हुआ आश्वासन पूरा हो इसका इंतजार करोड़ों लोगों को इस देश में है। हम सब संविधान सैनिक हैं और हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है। इस इलेक्शन में, इस चुनाव में हम सब लोग एक साथ उतरे हैं, इस जिम्मेदारी को मानते हुए कि संविधान की प्रास्ताविका में, प्रियाम्बल में जो पहले दो शब्द है, हम भारत के लोग, वी द पीपल, वो वी द पीपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर नहीं संभालेंगे और सरकार अगर कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक रास्ते पर ना चलता हो तो उसको रास्ते से या उनके पद से उतारने की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे सारे जो लड़ने वाले लोग हैं, जन आंदोलन है, उन्होंने अपने कंधे पर ली है कि हम भारत के लोग ऐसे फांसीवाद से लड़ेंगे और संविधान का जो कुचला जा रहा है, ऐसे कुचलने वाली सरकार को हम सत्ता से उतारेंगे। इस निर्धार के साथ महाराष्ट्र में लड़ाई जारी है। भारत जोड़ो अभियान 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहा है महाराष्ट्र के, और वहां पे रात दिन काम कर रहे हैं। पार्टियों का काम शुरू होने से पहले हमारा काम जारी है। हम लड़ रहे हैं बीजेपी के चार औजारों के खिलाफ। एक है भूख, दूसरा है भय, तीसरा है भ्रम और चौथा है भेद। ये चार आयुध लेकर बीजेपी की सत्ता, आज वो सत्ता में बैठे हैं और सब पर ये थोपा जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ना ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट का हिस्सा है। हमने सवाल ही महाराष्ट्र की जनता के सामने ये रखा है, 2024 राज्य संविधान का या मनुस्मृति का? और जो संविधान के पक्ष में खड़े हैं वो सब आपके साथ खड़े हैं। इसके साथ एक नया मुद्दा थोड़ा जोड़ना होगा। आप जरूर वेतन की बात कर रहे हो, न्याय वेतन की बात कर रहे हो, हम उसमें एक मुद्दा जोड़ना चाहता है, सामाजिक वेतन की बात। काम के लिए जो वेतन मिलता है वो तो जरूरी है, लेकिन सामाजिक वेतन हम उसे कहते हैं जो जिंदगी बसर करने के लिए, सम्मान से जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। उसमें है स्वास्थ्य, शिक्षा, निवारा यानी घर, राशन, पानी, ये सब जो बुनियादी जरूरतें हैं वो भी सोशल वेज यानी सामाजिक वेतन का हिस्सा होना चाहिए। ये न्याय की पूरी परिभाषा में आना चाहिए और वो उसी का आप भी एक नैरेटिव आगे बढ़ाए, ये हमारी अपेक्षा है आपसे। इस लड़ाई का चेहरा जो है वो लड़ाई का चेहरा पार्टी विरुद्ध पार्टी
होने से बेहतर होगा कि भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध भारतीय जनता खड़ी है, तो वह भारतीय जनता पक्ष से भारतीय जनता को हटाने का काम हमको करना होगा, और जिसकी भाषा, जिसकी कमिटमेंट न्याय की होगी, उनकी गारंटी तो हमारी कमिटमेंट, उनकी गारंटी वारंटी के बिना है, अपनी कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है और वो वैसे ही होनी चाहिए। और हम हमेशा एक आंदोलन का गाना गाते आए हैं जो साहिर लुधियानवी का गाना है, वो सुबह कभी तो आएगी, वो गाना अब आने वाले दिनों में हमको ना गाना पड़े, वो सुबह जरूर आएगी और वो सुबह को आते हुए हम देखना चाहते हैं। और बहुत सारी उम्मीदों के साथ राहुल जी इस पूरी न्याय यात्रा में और न्याय की संकल्पना को आप और थोड़ा चौड़ा करिए, व्यापक करिए, और उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट के साथ हम आपको देखना चाहते हैं। और जरूर हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने के लिए, महाराष्ट्र की सारी जनता बेताब है, ये संतों की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की कर्मभूमि है, यहां से हम आपको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल दिन रात लगे हैं, हम लड़ेंगे और इस महाराष्ट्र से आपको बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे कि हम बीजेपी की सत्ता को महाराष्ट्र से हटा कर रहेंगे। ये हमारी ओर से कमिटमेंट है, आपसे अपेक्षा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट का रास्ता और दायरा आप बढ़ाएं। धन्यवाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे। राहुल गांधी जी, अपनी टिप्पणी देने से पहले मैं 2 मिनट के लिए कांचा इलैया जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो अपनी बात रखेंगे, और उसके पहले कांचा जी आ जाइए। बहुत सारे साथियों के नाम मेरे पास आए हैं, बहुत सारे लोग यहां आए हैं, मैं सबकी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी किसी को ना कहने में। मछुआरे समाज के लोगों को भी वाढ़वण बंदर के खिलाफ जो उनकी लड़ाई चल रही है उनका भी हम समर्थन करते हैं, हम आपके साथ है। कांचा जी, फ्रेंड्स, वी हैव गैदर्ड हियर फ्रॉम द सिविल सोसाइटीज, आई एम फ्रॉम हैदराबाद ऑफ परहैप्स ऑल ओवर इंडिया, फंडामेंटली टू प्रोटेक्ट द आइडियल्स ऑफ अंबेडकर एंड गांधी व्हिच आर इन डीपर क्राइसिस टुडे। एंड हाउ डू वी प्रोटेक्ट these ideals of Ambedkar and Gandhi? One has given a constitution philosophy, one has given a moral freedom struggle ideology. Now, in the context of 2024 election, my appeal to all the civil societies in the countries is that we have to formulate 4-5 fundamental slogans for the nation. Ghar, ghar, house, house, those slogans should be taken. One, vote for Nyaya Bharat. Vote for Social Justice India. Number two, vote for Constitution. The constitution is really in danger because already socialism and secularism are removed from the preamble. Then vote for democracy. Democracy is also is in real danger today. And this justice we imagined, Ambedkar imagined, Gandhi imagined, Nehru imagined, Sardar Patel imagined, is total justice. Total justice and social justice. But then, humanly, who represents this idea of justice in this crisis? ये idea of को social justice को ये crisis में जो लोग उधर बोल रहे हैं हमारा परिवार को वोट दो, वो परिवार है, RSS परिवार है, उसको वोट देने के लिए they are asking. Posters are putting, cutouts are putting. Now I genuinely feel Rahul Gandhi represents this period of justice of India.
एंड दिस एज इन विच कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस फाइटिंग फॉर कास्ट सेंसस एंड सो ऑन देयरफॉर एवरी चाइल्ड एवरी मदर एवरी सोशल एक्टिविस्ट मस्ट फॉर्मुलेट the slogans of vote in 24 vote for nyay bharat vote for democracy vote for constitution vote for rahul gandhi in every constituency it is not for I am not asking for party whatever could be the party wherever could be a regional party a national party whether it is with india or anywhere I think the social activist responsibility today is vote for Rahul Gandhi to sustain, protect and keep justice in India going and surviving. Thank you. Bahut bahut shukriya Kancha ji. I will request Rahul Gandhi ji to respond. Rahul Gandhi ji. Thank you. तुषार जी योगेंद्र यादव जी स्टेज पे कैसे बोलें मैं नॉर्मली वरिष्ठ नेता बोलता हूं बट स्टेज पे एमिनेंट पर्सनैलिटीज सोशल एक्टिविस्ट्स और यहां हॉल में आप सब जो आए हैं आपका यहां बहुत बहुत स्वागत नमस्कार मैं आपसे दो तीन चीजें कहना चाहता हूं पहली चीज यात्रा के बारे में और जो मेरा अब पिछले डेढ़ साल का जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले साल हम भारत छोड़ो यात्रा पे निकले 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से कश्मीर और हम सबको मुझे तो पहली बार हिंदुस्तान को नजदीकी से देखने का मौका मिला मेरे दिमाग में एक हिंदुस्तान था एक इंप्रेशन था और जैसे ही मैं चलना शुरू किया वो इंप्रेशन टूटता गया बदलता गया और अंत में जब मैं कश्मीर पहुंचा मेरा रियलाइजेशन ये था कि जिस चीज को मैं हिंदुस्तान मानता था वो एक्चुअली हिंदुस्तान था ही नहीं वो मेरे इमेजिनेशन का हिंदुस्तान था अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान था और ये जो मैं हिंदुस्तान भारत जोड़ो यात्रा में जिसको देखा है ये भी एक प्रकार से अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान है ये पहले वाले हिंदुस्तान से बेहतर इन्फॉर्म्ड है मगर ये भी हिंदुस्तान की समझ नहीं है सुपरफिशियल है मगर उस यात्रा में दो चीजें बड़ी क्लियर थी एक कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है मोहब्बत का देश है और इस देश में इसके डीएनए में रिस्पेक्ट मोहब्बत ये बहुत गहरा है तो चलते चलते मेरे दिमाग में यह सवाल आना शुरू हुआ कि अगर यह नफरत का देश नहीं है यह पहला देश है जिसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई मोहब्बत से लड़ी और कोई देश है ही नहीं मतलब कहते हैं कि सिविल राइट्स मूवमेंट
गांधी जी की फिलॉसफी, उसने गांधी जी की फिलॉसफी का प्रयोग किया, मगर जो उनको डायरेक्शन किसने दिया, उनको डायरेक्शन गांधी जी ने दिया, हिंदुस्तान ने दिया। साउथ अफ्रीका में मैं गया था, मंडेला जी ने मुझे यही कहा कि हमें जो औजार दिए गए, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जो औजार दिए गए, वो अफ्रीका के औजार नहीं थे, वो आपके औजार थे, हिंदुस्तान के औजार थे, और वो औजार हमें गांधी जी ने दिए। तो जब मैं चल रहा था, मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि अगर हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था, और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याय है, कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। 2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है, 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं, उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है, सारे इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह है। बट अगर हम 90% लोगों को देखें, उनके साथ 24 घंटा अन्याय हो रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए 20-25 लोगों का कर्जा माफ हुआ, जीएसटी का पैसा है, जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, मगर किसानों का एक रुपया माफ नहीं होता है। और मैंने सरकार के अंदर से देखा है, जब हमने किसान कर्जा माफी की बात उठाई, जब हम सरकार में थे, तो रिस्पॉन्स मिला कि ये ठीक नहीं है, इससे किसान आलसी हो जाएगा। मनरेगा से गरीब व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है, मतलब वो काम कर रहा है, उसको आप उस काम के लिए पैसा दे रहे हो और उसकी आदत बिगड़ रही है। और दूसरी तरफ 20-25 लोग हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही, वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान के धन को देखें और उसको ट्रैक करें, तो आपको दिखेगा कि ये जो सोने की चिड़िया कही जाती है, इसका पूरा का पूरा धन किसानों से, युवाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से छीन कर ये 20-25-50-200 कितने लोग हैं, ज्यादा नहीं है, इनके ओर फनल होता है। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया, और इस यात्रा में हमारा फोकस उस पे था कि किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, और हर कदम पे स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो रहे हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, मजदूर को मिनिमम वेज नहीं मिल रही, छोटे व्यापारियों को
जीएसटी से दबाया जा रहा है, मतलब हर स्टेप पे हर कदम पे लोग आ रहे थे कह रहे थे हमारे साथ ये हो रहा है, मगर कंबाइंड कॉन्शियसनेस नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे पास छोटे व्यापारी आए गुजरात में, उन्होंने कहा कि जीएसटी से नोटबंदी से हमें बहुत चोट लगी, मगर उसी डिस्कशन में जो किसान के साथ हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे। तो मेरे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है वो मुझे दिख रहा है, मगर मेरे भाई के साथ जो हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब तक आप अपने भाई के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं देखोगे तब तक कोई मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता। मैं जूडो करता हूं और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें जमीन पे गिरना पड़ता है, फेंका जाता है व्यक्ति को, तो जब पहले व्यक्ति शुरू करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जमीन पे गिरोगे तो फिर आप अपने आप की रक्षा करते हो, फिर थोड़ा एडवांस्ड होता है, फिर उसको बात समझ आती है, वो जमीन की रक्षा करना शुरू कर देता है। मतलब डोंट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट द मैट। और बड़े मजे की बात दिखती है कि जब आप जमीन को प्रोटेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जमीन आपको प्रोटेक्ट करती है। तो मूवमेंट कैसे बनती है? मूवमेंट जब बनती है जब मैं अपने दर्द को छोड़कर मेरे साइड में जो खड़ा है उसके दर्द की रक्षा करना शुरू करता हूं, ऑटोमेटिकली वो मेरी रक्षा करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। तो ये एक मेंटल लीप की जरूरत है। सबको दिख रहा है कि भाई किसान को दिख रहा है, मजदूर को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मगर एक दूसरे का दर्द नहीं दिख रहा किसी को। मेरा एक्सपीरियंस है दूसरी यात्रा का। आखिरी बात देखिए, आपने राहुल गांधी का नाम बहुत बहुत बार लिया। कांचा जी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने नारे भी दे दिए। ये राहुल गांधी नहीं है, ये हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की फीलिंग है, उनमें से मैं एक हूं और आप मेरे ऊपर फोकस कर देते हैं। बट भारत जोड़ो यात्रा में मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं अकेला नहीं चल रहा था, लाखों लोग चले थे मेरे साथ। और एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ राहुल गांधी नहीं था, भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ वो बाकी लोग थे। तो उन पे भी फोकस होना चाहिए, लड़ना हमें एक साथ है। और ये हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान के दो एक्सप्रेशंस के बीच में लड़ाई है, ये राहुल गांधी मोदी बीजेपी कांग्रेस के बीच में लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान के नेचर के अंदर दो आत्माएं हैं और ये उन दोनों आत्माओं के बीच में लड़ाई है। एक आत्मा कहती है कि हिंदुस्तान बीच से चलाया जाएगा, ऊपर से चलाया जाएगा, और सारे लोग ऊपर देख के ऑर्डर लेके इस देश को चलाएंगे। और ये एक सोचने का तरीका है हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान को डिसेंट्रलाइज तरीके से
हिंदुस्तान के सब लोगों को सुनकर चलाया जाएगा, जिसको हम, अगर आप धार्मिक तरीके से बोलना चाहते हैं, शिव की बारात बोल लीजिए, कि सब लोगों को जगह देके निर्णय लिया जाता है। जैसे योगेंद्र यादव जी अभी बैठे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, 3-4 महीने पहले इन्होंने हमें कहा, देखिए हमें ये जो गारंटीज हैं, हमें क्लियरली बता देना चाहिए देश को कि इंडिया संगठन, इंडिया गठबंधन आएगा तो क्या करेगा। और आज मैंने इनसे पूछा कि आप बताइए, ये जो हमने गारंटीज देश के सामने रखी हैं, इससे आप खुश हैं? तो इन्होंने कहा, मैं खुश हूं, मगर बहुत केओटिक डिस्कशन हुआ। केओटिक डिस्कशन हुआ क्योंकि ये एक्चुअली कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, खारगे जी की, इंडिया गठबंधन की गारंटीज नहीं है, ये एक्चुअली हिंदुस्तान की आवाज है, उसको हमने चुन चुन के सुन सुन के निकाला है, उसको रिफाइन किया है। बीजेपी ये काम कर ही नहीं सकती क्योंकि उनका तरीका सेंट्रलाइज है, ऊपर से बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी रेडार की बात करेंगे, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी से निकलता है, उनके विजन में और आरएसएस के विजन में ज्ञान एक व्यक्ति के पास है, किसान के पास ज्ञान ही नहीं है, मजदूर के पास ज्ञान ही नहीं है, बेरोजगार युवा को कोई समझ नहीं है। आईआईटी की डिग्री है तो पूरी दुनिया को समझ गया, ये थिंकिंग है। तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई हो रही है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जितना उसमें ज्ञान है उतना ही ज्ञान हिंदुस्तान के किसान में है, बस दूसरे तरीके का है। मैं बंगाल गया और वहां पे वो महिलाएं थी, इसी यात्रा पे महिलाएं थी, वो बीड़ी बना रही थी, उनके हाथ में जो स्किल थी, बीड़ी बनाती थी वो, उनके हाथ में जो स्किल थी मैंने अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखी। मैंने ट्राई किया, मतलब एक बीड़ी, मतलब मैंने रोल करने की कोशिश की, नहीं हो रही थी मुझसे, तो वो सालों का, मतलब सालों की स्किल है वो, और उसका इस देश में कोई आदर नहीं हो रहा। उस महिला को आप फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, उसकी मदद कीजिए, मेक इन इंडिया उससे करवाइए और फिर देखिए क्या मजा आता है। तो ये दो अलग तरीके की सोच की लड़ाई है, इसमें हम सब एक साथ लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, ये आवाज बहुत करते हैं, मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। धन्यवाद। सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साथ है, जिंदाबाद राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक विजय महाजन जी, उनको विनती करूंगा भविष्य की दिशा पे 2 मिनट में वो अपना वक्तव्य दे।
साथियों आप सबका अभिनंदन। राहुल जी ये जो यहाँ पोस्टर लगे हैं ये इस बात का सबूत है कि आपने अपनी दोनों यात्रा में लोगों की बात सुनी, समझने की कोशिश की और उसको कार्यान्वित करने के लिए अब आप संकल्पबद्ध हो रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ अ लीडर लिसनिंग टू द पीपल ऑन द ग्राउंड। ऐसा आज से शायद 80 साल पहले हुआ, उसके बाद बहुत कम हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्योंकि हम बंबई में हैं, एक चीज की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो इस गारंटी में मिसिंग है, जो हमारी थिंकिंग में मिसिंग है, वो है पूंजी। आप जानते हैं कि बिहार के सुपौल जिले में अगर एक आदमी जाके 1000 रुपया अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है अभी, उसके केवल 10 सेकंड के बाद वो बॉम्बे के रिजर्व बैंक के तिजोरी में आता है और उसमें से 25 रुपया जो है भारत सरकार के पास अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व तुरंत चला जाता है। उसके अलावा जो 75 बचता है जो सुपौल में वहां के जो बेरोजगार युवक हैं, वहां के जो किसान हैं, उनको मिलना चाहिए, उसकी जगह वो बॉम्बे मनी मार्केट में आता है और वो उन लोगों को फाइनेंस करता है जिनको जिनके पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। हमने इस देश में बैंक्स को नेशनलाइज किया था, हमने इस देश का फाइनेंशियल सिस्टम को सोशलाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में है। क्योंकि हम बंबई में हैं, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक इस लड़ाई को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। दूसरा है, हम महाराष्ट्र में हैं और गारंटी की बात आज हो रही है, लेकिन 1973 में यही वो महाराष्ट्र है जहां EGS एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम सबसे पहले स्टार्ट हुई थी और जो कि आज की महात्मा गांधी नरेगा की एक तरह से प्रिकर्सर है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम अगस्त क्रांति मार्ग के बगल में है, अगस्त क्रांति मैदान के बगल में है। आगे की क्या बात है, आपकी भारत जोड़ो यात्रा 31 जनवरी 2023 को जब समाप्त हुई थी थे, हमने आपसे आग्रह किया था कि यात्रा समाप्त हुई अभियान शुरू करें, तो भारत जोड़ो अभियान बना, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं 175 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारत जोड़ो अभियान के साथी काम कर रहे हैं, चुनाव के लिए भी काम कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका समापन हुआ है, परंतु मैं कहता हूं कि एक आरंभ होना चाहिए एक भारत न्याय वाहिनी का, जो कि अगले बहुत सालों तक इस देश में न्याय का संकल्प ले, न्याय के लिए काम करे और ये जितनी भी गारंटीज हैं ये तो प्रोग्रामेटिकली हो जाएंगी, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो मूल्य हैं, जो हमारे संस्थागत ढांचे हैं, उनको बदलने के लिए दशकों तक जो हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए भारत न्याय वाहिनी का मैं आह्वान देता हूं आप सबको। इसको सोच के हम लोग और बैठ के 6 जून को हम लोग फिर कहेंगे सिंहासन खाली करो, क्यों जनता आती है, सिंहासन खाली करो जनता आती है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। थैंक यू। इस सभा का समापन सभा के अध्यक्ष हमारे बुजुर्ग साथी तुषार गांधी जी हम सबको संकल्प देके करेंगे, तुषार भाई, और उसके बाद गुड्डी जी धन्यवाद ज्ञापन करेगी और जिस दक्षिण मुंबई में हमने ये कार्यक्रम किया है उस कमिटी की ओर से राहुल जी का सम्मान हो। मैं राहुल जी मंच पे बैठे हुए सारे नेतागण और साथियों जो सामने बैठे हैं आप सबको का अभिवादन करता हूं कि आपने ये सभा इतनी सफल बनाई। माइक मिला है तो अपनी बात कहने से मैं बाज नहीं आऊंगा, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम एक ऐतिहासिक जगह पर बैठे हैं। आज सुबह प्रियंका जी, राहुल जी दोनों
मणिभवन गए, वहां से अगस्त क्रांति मैदान आए। 42 में उसी तरह से अगस्त क्रांति मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन चलता था, जहां अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद सारी लीडरशिप को पकड़ के अंग्रेजों को लगा था कि अब ये जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे। पर उनको पता नहीं था कि वो लीडरशिप ने पिछले 10 सालों में भारत के सामान्य लोगों को ये विश्वास दिला दिया था कि अगर आज़ादी चाहते हो तो वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज 42 में उसी मैदान से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया हुआ और अरुणा असफ अली ने जो 9 अगस्त को वहां से नारा दिया था, उसके बाद भारत के लोगों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। हम सब जो यहां बैठे हैं उन्होंने आज ये शपथ लेनी है, जब जैसे तब अंग्रेजों को भारत छोड़ो कह के भारत से जाने का रास्ता दिखाया था, आज हमने शपथ लेनी है संघियों भारत छोड़ो, जो हमारे बीच में धिक्कार की भावना पैदा कर रहे हैं, जो हमारे बीच में डिविजन्स करवा रहे हैं, वैसे जो ताकतें हैं उनको भारत छोड़ने की सौगंध हम सब ने आज लेनी चाहिए। मैं प्रियंका जी और राहुल जी दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। राहुल जी ने जब देश की कमान पकड़ी है और अपनी यात्राओं के माध्यम से निर्भय बनने का और न्याय के लिए लड़ने का संदेशा दे रहा है, तब उत्तर प्रदेश का बहुत कठिन संघर्ष प्रियंका जी कर रही है। वो बम्बई में पहली दफा आई है तो हमने उनका शुक्रिया भी बहुत अदा करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में वो दिखा रही है। तो यही मुझे कहना था। अब मैं आप सबको एक शपथ दिलाऊंगा, मैं मेरा नाम बोलूंगा, आपको अपना नाम बोलना है। खड़े होकर मेरे साथ ये शपथ लीजिएगा, मैं मेरा नाम लूंगा, आपको अपना नाम लेना है। मैं तुषार गांधी, मैं संजय मंडल, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारतीय गणतंत्र का नागरिक होने के नाते न्याय आजादी समता और बंधुत्व पर आधारित भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था को पुनर्व्यक्त करता हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं अगस्त क्रांति मैदान को साक्षी रखते हुए संवैधानिक मूल्यों और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा संवर्धन और पोषण की शपथ लेता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मैं यहाँ अपनी एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जब मेरे मुंह से आरएसएस का नाम निकलता है तो मेरे दिल में एक एहसास होता है बापू के हत्यारे। आरएसएस की सरकार द्वारा हमारे संविधान हमारी आजादी आंदोलन की विरासत और हमारी सभ्यता के आदर्शों पर अभूतपूर्व हमले के मद्देनजर मैं आगामी लोकसभा चुनाव में इस देश विरोधी सरकार और इसके सहयोगियों को हराकर इंडिया गठबंधन की जीतने के लिए तन मन और धन से समर्पित रहूंगा
जय हिंद जय संविधान। साथियों आप सब अपनी जगह पे बैठ जाएं। मैं इस सभा के आखिरी सत्र में सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले महाराष्ट्र के हम भारत के लोग की तरफ से हम इस प्यार इश्क मोहब्बत की पहल करने वाले श्री राहुल गांधी जी को, बहन प्रियंका गांधी जी को और समस्त भारत जोड़ो अभियान की टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये प्यार मोहब्बत जिंदाबाद इसका ये नारा देते हुए हम ये एक अपना तोहफा राहुल गांधी जी को यहाँ पर हमारी तरफ से आभार देते हुए देना चाहते हैं। एक बार नारा लगाएंगे, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। दक्षिण मुंबई जिला कांग्रेस की ओर से राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारा सम्मेलन जारी रहेगा, भारत जोड़ो अभियान के कार्यकर्ता यहाँ बैठे रहेंगे, हमारी मीटिंग यहाँ होगी, भारत जोड़ो अभियान के कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ होगी, सम्मेलन जारी रहेगा।